नमस्कार, आज हम बैठे हैं संत निरंकारी सत्संग भवन में। आज हमने यहाँ पर एक अजीब बात पाई। यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं फिल्मी अभिनेता। आओ हम आज उन्हीं से बात करते हैं, जाने माने अभिनेता आदरणीय विवेक शौक जी। नमस्ते शौक जी। शौक जी, आपके इस शौक को लेकर हमारे दर्शक काफी शौक्ड हैं। वो जानना चाहेंगे कि आप पेशे से इंजीनियर होते हुए आपने डिग्री हासिल की है इंजीनियरिंग में, तो आपने ये बॉलीवुड जाने की कैसे ठान ली, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? दरअसल मैं सबसे पहले न्यू बॉम्बे के सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूँ और बहुत खुशी हो रही है कि आपसे इस तरह मुझे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। जहाँ तक इस सवाल का जवाब है कि बॉलीवुड में जाने की प्रेरणा कैसे मिली, प्रेरणा बॉलीवुड जाने की नहीं थी। इंजीनियरिंग की डिग्री जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो बहुत बाद में आई, लेकिन जो कला के साथ नाता था वो बहुत बचपन से रहा। बहुत छोटी उम्र से ही मुझे घर से भी और स्कूल से भी कुछ ऐसे खुशकिस्मती से ऐसे कुछ टीचर्स की एनकरेजमेंट मिली कि बचपन से ही इस तरफ मेरा रुझान काफ़ी रहा। और इंसान हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सहज रूप में उसके साथ जुड़ी होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक्टिंग या वो जो कला का जो एक प्रदर्शन रहा वो बचपन से मेरे साथ था और उसमें मुझे कभी भी जोर नहीं लगाना पड़ा, तो अपने आप में बहुत बड़ी एक प्रेरणा थी। लेकिन बॉलीवुड के बारे में मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से मैं ऐसे प्रोफेशन से ज्वाइन करूँगा, क्योंकि मेरे फादर का मुझे खास एक आग्रह था कि आप प्रोफेशन कोई भी इस्तेमाल करेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपनी स्टडीज कम्प्लीट करने के बाद, क्योंकि आदमी के उठने बैठने में बातचीत करने में हर चीज़ में एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन का बहुत बड़ा एक रोल होता है। और वो आज मैं महसूस करता हूँ कि फॉर्चुनेटली मैंने वो इंजीनियरिंग अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी चंडीगढ़ से और वो आज मुझे बहुत काम आ रही है। हालांकि ये बिल्कुल अलग से एक फील्ड है, बॉलीवुड की फील्ड जो है, फिल्मों की फील्ड जो है, टेलीविजन और फिल्म का काफ़ी काम किया, थिएटर में बहुत किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें जो एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो आज मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी थी और इस तरह से ये सफर अपने आप बॉलीवुड की तरफ घूमता चला गया। जी, फिर आपने अभी कहा फरमाया कि बचपन से ही आपका इस तरफ रुझान रहा, तो हमने दर्शकों ने ज्यादातर आपको उल्टा पुल्टा से ज्यादा आपकी पॉपुलर रही प्रोग्राम, तो फिर उसके पहले के आपकी बॉलीवुड की आप देखिए उल्टा पुल्टा इसलिए पॉपुलर और लोगों के साथ मेरा उससे वास्ता इसलिए भी रहा क्योंकि उल्टा पुल्टा मेरा नेशनल नेटवर्क पे पहला प्रोग्राम था। उससे पहले बिकॉज आई वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में पैदा होने और वहाँ पलने वहाँ परवरिश होने की वजह से जितना थिएटर मैंने किया वो चंडीगढ़ में किया। उसके बाद जो रीजनल टेलीविजन वो हमारे नज़दीक जलंधर दूरदर्शन था, तो पंजाब और पंजाब के जो रहने वाले लोग हैं वो उल्टा पुल्टा से पहले से भी मुझे जानते हैं क्योंकि उनके साथ मेरा नाता जो है वो जलंधर दूरदर्शन के जरिए और स्टेज शोज के जरिए काफ़ी दिन से रहा। और उल्टा पुल्टा के बाद से वो एक नेशनल नेटवर्क भी आने की वजह से लोगों को उल्टा पुल्टा से वो शुरुआत नजर आई, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया जो प्रोग्राम्स देखे गए उल्टा पुल्टा, फ्लॉप शो, फुल टेंशन, शाहजी के एडवाइस और भट्टी साहब के साथ और बहुत से प्रोग्राम्स का सफर शुरू हुआ, तो इसलिए लोगों को वो सफर वहीं से दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि कहते हैं कि जब बहुत बड़ा महल दिखाई दे तो उस वक्त सोच लेना चाहिए कि इसकी बुनियाद में भी कुछ ईंटें होंगी जो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उन्हीं के ऊपर ये महल खड़ा है, तो महल के ऊपर का गुंबद जो है वो सबको दिखाई देता है लेकिन बुनियाद की ईंटें नहीं दिखाई दी। तो मेरी बुनियादी ईंटें जो हैं वो चंडीगढ़ से शुरू हुई और वो थिएटर से और टेलीविजन से काफी। मतलब ये आप मानते हैं कि थिएटर्स का काफी हद तक बुनियाद बनाने में और आज जिस मकान पर आप हैं उसमें काफी हाथ है। जी, थिएटर हमेशा ही किसी भी आर्टिस्ट की बुनियाद को पक्का करने के लिए एक बहुत बढ़िया चीज है। कारण ये है कि आज टेलीविजन में और फिल्म्स में हमारे पास बहुत जरिया है कि अगर कुछ सही हम परफॉर्म नहीं कर पाए तो वी हैव गॉट अनदर टेक, कि कट करके हम उसको दोबारा से रीटेक कर लेते हैं। लेकिन थिएटर में जब आप ऑडियंस के सामने होते हैं और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है कि थिएटर में अगर उस ड्रामे के 10 कलाकार हैं तो उसमें से आपको नहीं मालूम कौन सा कलाकार कौन सा डायलॉग भूल जाएगा, और अगर वो डायलॉग भूल जाता है तो एक के डायलॉग भूलने से सारा का सारा प्ले अपना पूरा का पूरा वो गवा बैठता है, अपनी सेंसिटिविटी गवा बैठता है। तो उस वक्त कौन कलाकार किसको कवर करने के लिए क्या इम्प्रोवाइज करता है उसका कोई रीटेक नहीं, तो इसलिए थिएटर जो है वो सबसे ज्यादा
एक आर्टिस्ट के लिए बुनियादी काम इसलिए करता है क्योंकि उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑडियंस के साथ होता है, और ऑडियंस के साथ जो उसका इंटरेक्शन है उसमें उसको जो भी करना है, जैसा भी परफॉर्म करना है, वो वहीं पे करना है, और कोई उसे गाइड करने वाला या बताने वाला नहीं होता। वो आर्टिस्ट अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसको हम इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो फिर क्या आप फिल्मों से ज्यादा थिएटर्स में ज्यादा रुचि रखते हैं या आपको ज्यादा पसंद है? वही बात है जो मैंने पहले कही कि अगर बुनियादी ईंट बुनियाद के वक्त पे काम आए तभी अच्छी लगती है, बुनियादी ईंट को गुंबद पे नहीं लगाया जा सकता। तो जिस वक्त वो दौर था उस वक्त मुझे थिएटर ही करना था, थिएटर ही किया, लेकिन आज इसका दायरा बहुत बड़ा है फिल्म का, और अगर फिल्म में मुझे चांस मिलता है लोगों के साथ, क्योंकि एक थिएटर, एक ड्रामा जिसकी आज मेरे मन में बहुत कदर है, लेकिन वो ड्रामा देखने वाले कोई 300-400-500 व्यक्ति एक वक्त आपका शो देखे, जबकि एक फिल्म में काम करने से मैं अपनी पहुंच लाखों करोड़ों लोगों तक, और जो दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं वहां तक भी अपनी पहुंच पहुंचा सकता हूं, अपनी बात पहुंचा सकता हूं, जो परफॉर्म कर रहा हूं उसको कब कौन कहां अप्रिशिएट कर देगा मैं नहीं जानता। 20 साल बाद भी कोई फिल्म स्टार गोल्ड पे या किसी ऐसे चैनल पे आ जाएगी जिसमें पुरानी फिल्में दिखाई जाती हैं तो कोई कह देता है अरे साहब आपने बहुत पुरानी फिल्म देखी, तो वो मरती नहीं, वो परफॉर्मेंस मरती है, जबकि थिएटर की लाइव परफॉर्मेंस होती है, उसके अपने प्लस पॉइंट भी है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो उस थिएटर के खत्म होने के साथ परफॉर्मेंस भी खत्म हो जाती है। जी, तो आज बॉलीवुड में जब आप भूमिकाएं चुनते हैं, आज तक तो आपने कई किरदार निभाए हैं, तो आज आप किन बातों का खास ख्याल रखते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है, क्योंकि जब एक कलाकार किसी भूमिका को चुनता है तो चुनने की नौबत तब आती है जब वो एक स्टारिज्म तक पहुंच चुका होता है, जब उसके पास ना करने की गुंजाइश होती है। शुरुआती दौर में उसको चुनने की बहुत ज्यादा अथॉरिटी नहीं होती, उसे वो करना ही पड़ता है जो उसके सामने आ जाता है, क्योंकि उसे सरवाइव करना होता है। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से मुझे शुरुआती दौर में ही, जहाँ की मेरे पास, जिसे कहते हैं बेगर्स आर नॉट द चूजर्स, कि वो एक जो मांग रहा है कुछ, उसको तो चुनने का हक ही नहीं, उसे जो मिल जाएगा उसे करना पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे शुरुआती दौर में जसपाल भट्टी साहब जैसे लोग मिले, जिन्होंने मुझे ऐसे ऐसे किरदार दिए जिसमें एक कलाकार को बहुत कुछ करने का मौका मिलता है। तो वो तो शुरुआती दौर था। उसके बाद अभी जब फिल्मों में काम शुरू हुआ, तब भी मेरे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं थे कि मैं कुछ अपनी मर्जी से चुन के और उसे परफॉर्म कर सकूं, क्योंकि आज की डेट में कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है कि नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल, कि अगर तुम नहीं हो तो तुम हो, तुम नहीं हो तो तुम और। इसलिए वो काफी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान को करनी पड़ती हैं। लेकिन जहां तक भूमिका को चुनने का सवाल है, चुनने का अगर मेरे पास इख्तियार ना भी हो, उसे परफॉर्म करने का मुझे पूरा हक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस भी भूमिका को अदा करूँ उसमें पूरी तरह से उतर के, अपने आप को उसमें ढाल के मैं उसे अदा करूँ, और वही एक कलाकार के अपने हाथ में चीज होती है, और उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं ईमानदारी से काम लूँ जिंदगी भर। अभी तक मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करता हूँ किसी भी भूमिका को निभा पाऊँ। और जहाँ तक भूमिका चुनने की बात है, मेरा हमेशा यही एक व्यू रहेगा, मेरा यही एक नज़रिया रहेगा कि जो भी भूमिका मुझे मिले वो आर्टिफिशियल ना हो, सुपरफिशियल ना हो, वो जिंदगी के करीब हो, फिर भले वो हंसने की हो, रोने की हो, इमोशनल हो, क्योंकि जिंदगी, एक जिंदगी में हंसी भी होती है, गमी भी होती है, खुशी भी होती है, लेकिन जब हम परफॉर्म करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ लाफ्टर ही लाफ्टर है, सिर्फ अच्छा ही अच्छा है, या सिर्फ बुरा ही बुरा है। लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे भूमिकाएं जो मिल रही हैं आगे भी, वो जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, जिनमें कुछ हंसने के मोमेंट्स भी हैं, कुछ जज्बात भी हैं, कुछ रोने की बात भी है, तो एक मुकम्मल जिंदगी का असर है। आपके साथ शायद जो डायरेक्टर्स काम करते होंगे, आप जिनके साथ काम करते हैं, वो काफी सेटिस्फाई होते होंगे, आपका रुख इस तरफ लग रहा है, तो किन डायरेक्टर्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं और ज्यादा पसंद करते हैं काम करना? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में अगर मैं किसी एक का नाम लेता हूँ तो दूसरे के साथ शायद से आती होगी। तो मैं किसी इंडिविजुअल डायरेक्टर के साथ मैं बात को निभाना नहीं चाहता, खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि सिचुएशन ये है कि जितने भी डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया, जितने भी लोगों के साथ अभी तक वो काम किया, उन सभी में अपने अपने अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। ये बहुत डिप्लोमेटिक आंसर लगेगा, बहुत मेरे दर्शकों को ऐसा लगेगा शायद मैं बहुत ही एक किसी नेता की तरह मैं ये जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं होता जिसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज ना हो, सिर्फ हमें चुननी नहीं आती। इसी तरह से जो डायरेक्टर आपके सामने कुछ स्क्रिप्ट लेकर आया है, कोई बात ऐसी कहना चाहता है अपने एक्टर के जरिए, उसमें कुछ तो बात अच्छी होगी,
हाँ ये हो सकता है किसी में कुछ कम होगी किसी में कुछ ज्यादा होगी, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जिस डायरेक्टर की मुझे जो बात अच्छी लगे उसी को इनकैश करके उसका उसी तरह से फायदा उठाया जा सके। और जितने भी डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया है उन सभी ने मैं समझता हूँ मुझे इतनी एक छूट दी अपनी फिल्मों में कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो मुझे कहने दिया। किसी डायलॉग में अगर मैंने कुछ एडअप करना चाहा या मैंने कहा कि सर मैं इस डायलॉग को अगर इस तरह से बोल लूँ या इस किरदार को निभाते समय मैं ये मैनरिज्म इख्तियार कर लूँ, तो मेरे सभी डायरेक्टर्स ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि जहां तक ये हमारे फिल्म के दायरे के बीच में है बात हमें इससे कोई इख्तियार नहीं। तो एक्टर के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत हो जाती है कि उसे आप बांध के नहीं रखते, उसे थोड़ा आप खुला छोड़ते हैं तो भाई ठीक है तुम यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ, इतना एक तुम ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है। बॉलीवुड में एक्टिंग करते करते कहीं रियल लाइफ में भी एक्टिंग तो नहीं करते? रियल लाइफ में कौन एक्टिंग नहीं करता? मैं ये सवाल अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगा कि क्या रियल लाइफ में आप लोग एक्टिंग नहीं करते? हर आदमी को रियल लाइफ में एक्टिंग करनी पड़ती है, सिर्फ फर्क इतना है कि एक्टिंग करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्टिंग के जरिए किसी का बुरा मत, एक्टिंग के जरिए किसी का नुकसान मत। अब हम अपने घर में किसी तरह से भी बैठे होते हैं, हम अपने घर में अपने घर वालों से कैसे भी बात कर रहे होते हैं, अचानक दरवाजा खटखटाता है, कोई आ गया, आओ जी, क्या होता है? एक्टिंग तो होती है। मेरे घर में मेरे बच्चे लड़ रहे हैं लेकिन जैसे कोई बाहर से आता है चुप कर जाओ, वो क्या बोलेंगे अंकल क्या बोलेंगे कि तुम इतने गंदे बच्चे हो। तो मैं बच्चों को भी सिखा रहा हूँ कि अच्छे होने की एक्टिंग करो। मैं किसी शूटिंग से व्हाइट कॉलर जाता हूँ किसी के घर और मुझे पता लगता है कि मुझे तो वहाँ किसी की डेथ हो गई, मुझे वहाँ अफसोस करने जाना है, तो मैं बोलता हूँ भैया कोई व्हाइट कमीज दे दो मेरे को अच्छा लगता है, रेड कपड़े पहन के जा रहा हूँ वहाँ, और मैं वहाँ ऐसा मुंह बना के जाता हूँ, जेन्युइनली बुरी बात नहीं है लेकिन एक्टिंग तो करनी पड़ती है। वहां से निकल के मुझे हो सकता है किसी बर्थडे पार्टी में जाना पड़े तो मैं वहां भी जाता हूँ। फिर क्या आपको ऐसे लगता है कि हर इंसान एक्टिंग ही करता है, रियल फीलिंग्स उसमें नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि एक्टिंग एक हथियार है जिसे अगर ठीक तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो आपके काम आएगी, अगर उसको आप किसी कॉन्स्पिरेसी किसी षड्यंत्र के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत बात हो जाएगी। सो मेरा कहने का भाव ये है कि एक्टिंग भले ही करो लेकिन वो किसी पॉजिटिव रीजन की वजह से हो, किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि किसी को सुख पहुंचाने के लिए हो, फिर उस एक्टिंग का कोई हर्ज नहीं। क्योंकि अगर माँ भी अपने बच्चे के सामने कह देती है कि देखो बाहर वो चौकीदार की आवाज आई तुम्हें, वो बाबा पकड़ के ले जाएगा, वो डंडे वाला आ गया बाहर, तो माँ क्या कर रही है? एक्टिंग कर रही है, लेकिन वो एक्टिंग उस बच्चे के भले के लिए कर रही है। जो किसी के भले के लिए हो वो एक्टिंग बहुत बढ़िया है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन जहां तक जज्बात का सवाल है अपने जज्बात को अलग जगह देनी ही चाहिए और वो हर एक्टर भी देता है, क्योंकि अगर एक एक्टर किसी भूमिका को भी महसूस नहीं करता तो उसकी अच्छी एक्टिंग भी नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने निरंकारी मिशन की बात से बात शुरू की तो मैं यहाँ अपने दर्शकों के साथ ये बात साझा करना चाहूँगा कि हमारे बाबा जी निरंकारी बाबा जी से जब मेरी बात हुई, जब मैं यहाँ बॉम्बे पहली बार आने लगा तो मैंने हाथ जोड़ के उनके चरणों में बैठ के मैंने ये कहा कि हुजूर मैं इस तरह मुंबई नगरी में जा रहा हूँ और बड़ी ग्लैमर की दुनिया है, बड़ी एक्टर्स की दुनिया है, वहाँ पे जाने के लिए ये मेरा प्रोफेशन मुझे मजबूर कर रहा है, तो मेरे लिए कोई खास आदेश आप मुझे कुछ ऐसा शिक्षा जो जिंदगी में अपनाने की हो देना चाहें तो कृपा करें। तो हुजूर बाबा जी ने बहुत ही उमदा बात कही, बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने काफ़ी देर खामोश रहने के बाद सिर्फ इतना कहा कि हाँ बस वो जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी ऐसे जियो जैसे एक्टिंग कर रहे हो और एक्टिंग ऐसे करो जैसे जिंदगी जी रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये एक जिंदगी की बहुत बड़ी शिक्षा है कि जिंदगी ऐसे जियो जैसे एक्टिंग कर रहे हो, यानी जो भी आपके रिश्ते हैं उन्हें ऐसे निभाओ जैसे एक एक्टर स्क्रीन पे अपने रिश्ते निभाता है, लेकिन उनमें घुस नहीं जाता, उनमें डूब नहीं जाता, उनसे उबर के रहता है, जिसे बोलते हैं डिटैच्ड अटैचमेंट, कि दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, सिर्फ उसकी एक्टिंग करता है। और उधर एक्टिंग ऐसे करो जैसे जिंदगी जी रहे हो, वही एक्टर सबसे अच्छा माना जाता है जिसके बारे में लगता है कि एक्टिंग करता ही नहीं, ये तो इतना नेचुरल एक्टर है, ऐसे लगता है जैसे नॉर्मल लाइफ में बात कर रहा है, तो एक्टिंग ऐसे कर रहा है जैसे वो जिंदगी जी रहा है, तो उसे बहुत अच्छा एक्टर कहा जाता है। आज हमने आपको निरंकारी मंच पर भी देखा, प्रवचन कर रहे थे आप, तो आजकल कई हीरोज हम देख रहे हैं राजनीति में उतर रहे हैं या किन्हीं पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं, आज निरंकारी मिशन में जो आप हो तो क्या वो भी एक एक्टिंग ही है? देखिए इस बात का बड़ा सीधा सा एक जवाब मैं देना चाहूंगा,
के किसी फिल्म कलाकार का किसी राजनैतिक सभा में जाके बोलना, हो सकता है उससे उस राजनैतिक पार्टी को कोई फायदा होता हो, लेकिन ये बड़ी स्पष्ट बात है कि मेरे जैसे किसी भी कलाकार का या मुझसे बहुत बड़े किसी स्टार का भी यहाँ ननकारी मंच पे आके बोलने से ननकारी मिशन का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए ये बात बड़ी स्पष्ट है, यहाँ पर आके मुझ जैसा कोई आदमी बोलता है या अपनी भावना व्यक्त करता है तो वो अपने मन के भाव यहाँ व्यक्त करने आया है और यहाँ से कुछ लेने आया है, कुछ सीखने आया है। यहाँ कोई दे नहीं सकता, ये तो गुरु का दरबार है। यहाँ से तो जो कुछ मिलेगा आशीर्वाद मिलेगा, कुछ घर लेके जाने के लिए मिलेगा, कोई प्रसाद ही मिलेगा। तो जब प्रसाद की बात आ जाती है तो फिर कोई कलाकार हो, कोई चोर चक्का हो या कोई साधु महात्मा हो, सब एक जैसी बात हो जाती है। यहाँ तो कहते तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक। फिर माया नगरी और इस मिशन की जो सिखलाई है इसका कॉम्बिनेशन कैसे कर पाते हैं, साझा कैसे कर पाते हैं ये बात? इसका कॉम्बिनेशन वही है जो इंसान का कॉम्बिनेशन है। इंसान की ये देह माया है और रूह परमात्मा है। गॉड हैज मेड मैन इन हिज ओन इमेज। अगर परमात्मा ने हमें माया और ब्रह्म के मेल से बनाया है तो फिर माया नगरी और ब्रह्म की नगरी का फर्क क्या रह गया? वो तो एक ही बात है, जैसे जिंदगी जी जाती है उसी तरह ये भी अपनी अपनी जगह दोनों सेपरेट इश्यूज हैं। दोनों की असलियत को, सच्चाई को मान लेना जो है वो बहुत जरूरी है कि जब इंसान अपनी जिंदगी में एक अच्छा कदम उठाता है तो मैं समझता हूँ कि वो एक धार्मिक बात करता है। और इसके अलावा और कुछ ना कहते हुए मैं सभी दर्शकों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सब लोगों के साथ रूबरू हूँ। आगे फिर मौका मिला तो फिर से आप लोगों के साथ फिर से जरूर हाजिर हो जाएंगे। नमस्कार।